हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आप सब लोग को एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। लास्ट वीडियो में आप लोग ने मुझे जितना प्यार दिखाया है, मीन्स अ लॉट टू मी गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। कुकू भी थैंक यू बोल रहे। थैंक यू, वी लव यू ऑल। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे आप हीना और इंडिगो पैक्स का अपने हेयर पे बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। मैं क्या क्या करती हूँ कि मेरे हेयर इतने लंबे समय तक इन पर कलर चढ़ा रहता है, और साथ ही साथ मैं ये कोशिश करूंगी कि आपको हीना और इंडिगो पैक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं उन सबको आंसर कर सकूँ। तो सबसे पहले तो आप मेरा ये ग्रे हेयर का क्लिपिंग देखो। गाइज, जिन्हें भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है, मुझे भी एक्चुअल में ग्रे हेयर था, जिनको भी मैंने कवर किया है अपनी रेमेडीज की हेल्प से। अभी वाली क्लिपिंग में आपने मेरे सारे व्हाइट हेयर देखे हैं, और अभी आप देख रहे हैं एकदम ब्लैक हेयर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं इन हेयर को ब्लैक कैसे करती हूँ। उनका रेमेडीज मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, दो वीडियोस हैं, उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो आप वहां जाके देख सकते हैं कि कैसे मैंने अपने हेयर को ब्लैक किया है बहुत ही नेचुरल तरीके से। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ये टू स्टेप प्रोसीजर करना जरूरी है। तो गाइस, बहुत जरूरी है अगर आपको ब्लैक हेयर चाहिए तो। क्यों जरूरी है? सबसे पहले जो हम हीना अप्लाई कर रहे हैं, उससे हम अपने हेयर पे दे रहे हैं ऑरेंजिश, रेडिश, ब्राउनिश कलर। इंडिगो जो होता है वो हमारा एक हीना की तरह ही एक नेचुरल हर्ब है, जिसका खुद का टिंट होता है ब्लूइश पर्पलिश कलर का। अगर आपने बचपन में ड्रॉइंग किया होगा तो आपने वहां भी देखा होगा कि कैसे हम ब्राउन और ब्लू को मिक्स करके ब्लैक कलर जनरेट कर सकते हैं। तो उसी तरह से हम सबसे पहले अपने हेयर पे हीना लगाते हैं, जिससे हम अपने हेयर पे ब्राउन कलर देते हैं, और उसके बाद सेकेंड स्टेप में जब हम इंडिगो लगाते हैं तो इंडिगो का जो ब्लू कलर, पर्पल कलर रिलीज होता है, वो उस ब्राउन के साथ मिक्स होता है और वो हमें फाइनल रिजल्ट देता है ब्लैक कलर। अगर तो आपको चाहिए सिर्फ ब्राउन कलर, तो आप हीना पैक लगा सकते हैं, या फिर इंडिगो और हीना पैक दोनों को मिक्स करके एक पैक बना सकते हैं, और उससे आप डार्क ब्राउन कलर पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ब्लैक कलर चाहिए, जैसे इस वक्त मेरे हेयर का ब्लैक कलर है, अगर आपको ये रिजल्ट चाहिए तो आपको पहले हीना पैक लगाना पड़ेगा और उसके बाद आपको इंडिगो पैक लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट कंसर्न जो बहुत ज्यादा आया है वो है कि जो लोग ऑलरेडी ये रेमेडी कर रहे हैं, उनका इंडिगो बहुत ही जल्दी से फेड अवे हो जाता है। मेरे हेयर से इंडिगो इतना इजीली नहीं निकलता है, और उसके ना कुछ कारण है। अब वो कारण क्या है? सबसे पहला कारण है कि मैं बहुत ही माइल्ड शैम्पू यूज करती हूँ। अगर आप बहुत हार्श केमिकल वाले शैम्पूज यूज करेंगे ना, तो वो एक तो आपके हेयर में से जो कलर चढ़ा है वो तो निकाल ही देगा, साथ ही साथ आपके हेयर का क्वालिटी को और खराब करते जाएगा। इसीलिए कोशिश करें कि आप बहुत ही माइल्ड या हर्बल शैम्पूज यूज करें। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा शैम्पू यूज करती हूँ। सो ये है हर्बल एसेंसेस का आर्गन ऑयल रेंज। ऐसा ब्लू कलर का बॉटल आता है, तो इसमें पिंक कलर का बॉटल भी रहता है, बट हमको ये वाला लेना है बिकॉज इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है, और मुझे ये इतना पसंद है कि मेरे पास ये दो हैं। ये मेरा खत्म हो गया था तो मेरे को इसलिए दूसरा मंगाना पड़ा। और इसके बाद जिन लोग को लगता है कि उनके हेयर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो वो कंडीशनर जरूर यूज करें। तो अगेन, मैंने कंडीशनर भी सेम ब्रांड के लिया हुआ है। ये शैम्पू बहुत ही ज्यादा माइल्ड है और बहुत ही सिल्की सॉफ्ट रखता है मेरे हेयर को। तो आप अगर चाहते हैं यही लेना तो आप ले सकते हैं। मैं आपको जो भी प्रोडक्ट्स बता रही हूँ आज इस वीडियो में, मैं उन सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। अच्छा, तो शैम्पू के ना मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखो, जो ये शैम्पू है ये 600 का, और जो ये कंडीशनर है ये है 650 का, तो दोनों मिलके हो गया 1250। लेकिन मैं ये किससे मंगाती हूँ? मैं इन दोनों शैम्पूस को मंगाती हूँ नायका से। तो मैं वेट करती हूँ कि कब उस कॉम्बो पे 30% का ऑफ आएगा, तब मैं ये ऑर्डर करती हूँ। तो मुझे शैम्पू और कंडीशनर अराउंड 850 तक का मिल जाता है। ये शैम्पू का बॉटल है और कंडीशनर का, ये दोनों 400 ml है। शैम्पू आराम से 2 to 3 months चल जाता है, और कंडीशनर तो भैया आई थिंक 4-6 months तक एक बॉटल चल जाता है। गाइस, आप जो इंडिगो ले रहे हैं वो एक
बहुत अच्छे ब्रांड का लीजिए, जो नॉर्मल स्टोर्स पे या अपन साड़ी की शॉप पे मिलता है वहां से मत खरीदो, बिकॉज वो जो इंडिगो होता है ना वो खुला पड़ा रहता है, सील्ड पैकेट नहीं होता है। ये इंडिगो और जो हीना होता है ना ये ओपन जब रहता है तो ये एयर के कॉन्टेक्ट में ना बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है और अपना कलर रिलीज कर देता है। तो जब आप ऑलरेडी एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट खरीदेंगे तो वो आपके हेयर पे कलर कैसे देगा, बिकॉज उसका ऑलरेडी कलर तो एयर के कॉन्टेक्ट में आके उड़ चुका है ना। और एक अच्छे ब्रांड का इंडिगो 200 से 300 रुपए के बीच में आ जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा इंडिगो यूज करती हूँ। तो अभी तक मैं ये एल्प्स गुडनेस का इंडिगो पाउडर यूज कर रही थी और ये मैं पर्पल से मंगाती हूँ, बट अभी ये आई डोंट नो फॉर सम रीजंस ये आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है, वापस से स्टॉक बैक नहीं किया है पर्पल ने, तो मैंने इसका ऑल्टरनेट मंगाया ये हीना वेदा का। मैंने जो ये इंडिगो मंगाया है अभी ये है 100 ग्राम्स का टिन है और इसका MRP है 320 और ये अमेजोन पे कुछ डिस्काउंट था तो ये आफ्टर डिस्काउंट मेरे को 250 रुपीज का पड़ा है। तो पहली चीज तो हो गई हमारी कि हमारे हेयर से कलर फेड ना हो, कि हमें लेना है एक अच्छा इंडिगो। नेक्स्ट चीज क्या है कि अगर आप अपना इंडिगो पैक सिर्फ यूकवॉर्म वाटर में मिक्स करके बनाते हैं और तब आपका इंडिगो फेड हो रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इंडिगो में कर्ड, एलोवेरा जेल और लेमन मिक्स करके एक पेस्ट बनाइए और वो लगाइए। इस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं कि वो इंडिगो पैक कैसे बनाना है। अभी एलोवेरा जेल की बात करते हैं। मैं नेचुरल एलोवेरा जेल इंडिगो पैक के साथ नहीं यूज करती हूँ, बिकॉज जो हमारा मार्केट का एलोवेरा जेल रहता है ये हमारे हेयर पे स्टिक कर जाता है, जिसके कारण ना हमें रिजल्ट्स बहुत लंबे समय तक इफेक्टिव रहता है। तो मैं अभी तक यूज करती थी फेस शॉप का एलोवेरा जेल, बट मैंने फर्स्ट टाइम अर्बन बोटानिक्स का मंगाया, ये 200 रुपीज का बॉटल आया है और इसमें कोई कलर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, कोई पैराबेंस नहीं है। अब मैं आपको एक लास्ट एडवाइस देना चाहूंगी, ये उन लोग के लिए जो लोग कहते हैं कि उनको बहुत हेयरफॉल होता है या फिर उनके हेयर बहुत रफ हो गए हैं। तो गाइज एक बहुत ही सस्ती और छोटी सी एडवाइस है कि आप अपने वो प्लास्टिक के कोम को फेंको और वुडन कोम को यूज करना स्टार्ट करो, बिकॉज इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो जब हम इसे कोम करते हैं ना अपने हेयर में तो हमारे हेड का सर्कुलेशन बढ़ता है जिसके कारण ब्लड फ्लो होता है और उससे हमें एक बहुत ही लाइट मसाज मिलता है एवरी टाइम आप जब कंघी करेंगे, जिसके कारण आपका हेयर का ग्रोथ हेवी होगा। और साथ ही साथ बिकॉज ये कोई नीम का बना होता है तो जो नीम वाली कोम रहती है वो आपके अगर स्कैल्प में कुछ इचीनेस है या कोई इरिटेशन तो उसके लिए बेनिफिशियल होता है। और कुछ कॉम्ब्स होती हैं वुडन कॉम्ब्स जो शीशम से बनती हैं तो वो आपके हेयर में शाइन ऐड करता है, तो बहुत ही सस्ती आती है। आई थिंक 100 रुपीज का एक कॉम्ब आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको अपना हेयर फॉल का प्रॉब्लम से बचना है और एक ऐसा क्विक इलाज चाहिए तो वो ये है, जो आपके लिए बहुत ही फीजेबल भी है। कभी भी बैठ के आप जब भी आप कॉम्ब करें प्लास्टिक के कॉम्ब की जगह स्टार्ट यूजिंग अ वुडन कॉम्ब। सो गाइज आई रियली होप कि मैं आपके हर क्वेश्चन को आंसर कर पाई हूँ। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट दैट लाइक बटन, और पता तो है ये आपको क्या करना है, सब्सक्राइब का बटन दबाओ, सब्सक्राइब टू माय चैनल नाउ। तो ये था मेरा आज का वीडियो, मिलते हैं आप हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।